सिक्योरिटी गार्ड रखे सही आप नहीं खेलते गेट से बाहर खड़ा कर दिया मैंने कहा तू खड़ा भी हो गया मेरे को गेट से बाहर करता मैंने कहा तू खड़ा भी हो गया कहता और क्या कर सकता हूँ सर सही है मैंने कहा तू क्रिमिनल है खड़ा हो जाएगा ठीक है ट्वेल्थ का बच्चा है टेंथ में जो शरीर होता है उसको थोड़ा ज्यादा दबाते हैं ना चलो खैर कोई सही बात है शरीर देखिए देयर आर टू कंडीशंस नोट करिएगा There are two conditions of angle between two lines. ठीक है दो lines के बीच का angle calculate करने के लिए तो नहीं आएगा वो तो syllabus में से बिल्कुल हटा दिया है लेकिन अब दो conditions हैं वो note करिएगा इसमें आप ये कहेंगे कि two lines are perpendicular to each other. First लिखें Two lines are perpendicular to each other. Two lines are perpendicular to each other. If A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. ठीक है. Second है Two lines are parallel to each other. Two lines are parallel to each other. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. is equal to C1 upon C2. तो ये दो conditions हैं ये याद रखिएगा where A1, B1, C1 are the DRs where A1, B1, C1 are the DRs of direction vector of first line line का ऐसा होता है कि line की जो equation है ना जैसे matrix होती है कोई किसी matrix को मैं assume कर लेता हूँ capital A generally हम यही बोलते हैं तो इसी तरीके से जो line होती है line को हम बोल देते हैं R vector तो R vector is equal to होता है A vector plus lambda B vector तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये बी वेक्टर प्ले करता है क्योंकि बी वेक्टर से ही लाइन की डायरेक्शन का पता चलता है तो बी वेक्टर क्या हो गया डायरेक्शन वेक्टर तो वेयर A1 B1 C1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन एंड A2 B2 C2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ direction vector of second line of second line तो बस आप ये note करिए ना और इसके बाद shortest distance between two lines इसका formula लिखवाया था एक तो vector form में और एक cartesian form में उसके बाद note करें distance between parallel lines वो तो skew lines थी अब लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इसमें लिखिएगा
let there be two parallel lines given by let there be two parallel lines given by r vector is equal to a1 vector plus lambda b vector and अब जो दूसरी लाइन है वो क्या होगी r vector is equal to a2 vector plus lambda b vector r vector is equal to a1 vector plus lambda b vector r vector is equal to a2 vector plus lambda b vector सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पर a1 vector plus lambda b1 vector क्यों नहीं लिया यहाँ पर मेरे को b2 vector लेना चाहिए था वो क्यों नहीं लिया क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन सेम है डायरेक्शन सेम तो डायरेक्शन वेक्टर सेम ठीक है इसके बाद देखिएगा क्या करना है दोनों के बीच का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो d इज इक्वल टू वो जो हमने पहले देखा था ना वही सेम याद रखिए जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस था तो d इज इक्वल टू क्या था b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये था डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड और इस पूरे का भी मॉड ये था डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस तो इससे अगर आप कंपेयर करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या हो जाएगा ये देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अब b1 b2 अलग अलग नहीं है ठीक है जब b1 b2 अलग अलग नहीं है तो आपको बस एक b ही लेना है तो आप क्या करेंगे जहां पर भी ये b1 क्रॉस b2 है बड़ी नहीं b1 क्रॉस b2 है इसकी जगह सिर्फ b वेक्टर लिखिए सिमिलरली यहां पर भी b वेक्टर तो इस केस में जो d है वो कितना हो जाएगा b वेक्टर क्रॉस डॉट अच्छा अच्छा सही है इसमें क्रॉस है b वेक्टर क्रॉस लिखिए a2 vector minus a1 vector upon b vector का mod और इस पूरे का mod ठीक ये याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि जैसे b1 vector और b2 vector है तो b1 का a2 के साथ cross b2 का a1 के साथ cross तो क्या हुआ क्योंकि यहाँ पर cross लगा हुआ है इस वजह से तो हमने ये कहा कि अब यहाँ पर एक ही b है तो सिर्फ यहाँ क्रॉस आ गया बस ये याद रखिएगा कि डॉट ना लगकर यहाँ पर क्रॉस आ गया और b1 क्रॉस b2 की जगह सिर्फ b आ गया क्योंकि पैरेलल लाइंस की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा ठीक है इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 11 है पेज नंबर 476 जब कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसके वेक्टर पे मतलब उसके ए बी सी अगर अगर लाइन जो है वो किसी एक एक्सिस के पैरेलल है किसी एक एक्सिस के पैरेलल है तो अगर मान लीजिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम ये कह देंगे कि उसका जो बी वेक्टर यानी कि ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ये डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा 1i कैप प्लस 0j कैप ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर वाई की भी वैल्यू होगी जेड की भी वैल्यू होगी एक्स की वैल्यू नहीं होगी 0i कैप प्लस b1j कैप प्लस b2 j कैप और b3 j कैप ये होगा मतलब वो जिस एक्सिस के पैरेलल होगा उस एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं होगी मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है समझे हाँ
बी टू और बी थ्री वो डायरेक्शन रेशियोज हो गए उसके, ठीक है। एग्जाम्पल 11 देखिएगा, एग्जाम्पल 11 में है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एल वन एंड एल टू हूज वेक्टर इक्वेशंस आर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स एल वन एंड एल टू। तो फर्स्ट लाइन है एल वन, एल वन तो एल वन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू r vector is equal to i cap plus j cap, sir nahi iska opposite hai ki ye wala ban jayega baki dono zero ho jayenge jo aap pehle likh rahe the waisi ki sirf x wala ban jayega baki dono zero ho jayenge ha to usko pehle ye dekh lijiye i cap plus j cap plus lambda प्लस न्यू थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के, थ्री आई माइनस फाइव जे प्लस टू के। ठीक है, ये दो लाइंस दे रखी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो आप ये देखो कि यहाँ लैम्बडा कोई कांस्टेंट दे रखा है, इधर म्यू कोई कांस्टेंट दे रखा है, तो कांस्टेंट के साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई होता है वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन वेक्टर। तो ये b1 वेक्टर हो गया, ये b2 वेक्टर हो गया, दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आपका क्या हो गया, ये दोनों की दोनों स्क्यू लाइंस हो गई। तो आप यहाँ पर बोलिएगा क्लियरली l1 एंड l2 आर स्क्यू लाइंस, l1 एंड l2 आर स्क्यू लाइंस, देयरफॉर ए वन ए टू देखिए, ए वन क्या है, ये वाला ए वन इज इक्वल टू वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस जीरो के कैप, और जो ए टू है, ए टू क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस वन जे कैप माइनस वन के कैप। तो ये ए वन हो गया, ए वन वेक्टर और ए टू वेक्टर, ये दोनों तो ऐसे हो गए। और फिर देखिएगा बी वन क्या है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप, ये हो गया। और b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। a1 a2 b1 b2 ये हो गया। अब इसमें वो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, b1 क्रॉस b2, पहले b1 क्रॉस b2 ही निकाल लो अलग से, अब b1 कितना है 2i माइनस 1j प्लस 1k, क्रॉस b2 कितना है 3i माइनस 5j प्लस 2k, i j और k तो 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 5 और 2। डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो i तो ये तो प्लस का होता है
ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है, तो आई कैप और फिर ये कॉलम छोड़ो, ये रो छोड़ो, माइनस वन इंटू टू कितना हो गया माइनस टू, और माइनस वन इंटू माइनस फाइव हो जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस फाइव, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, तो टू टू ज़ा फोर, माइनस थ्री इंटू वन थ्री, प्लस के कैप, ये कॉलम छोड़ दिया ये रो छोड़ दिया, तो टू इंटू माइनस फाइव हो गया माइनस टेन, और थ्री इंटू माइनस वन हो गया माइनस थ्री, तो माइनस टेन माइनस माइनस थ्री मतलब माइनस टेन प्लस थ्री, आई कैप कितना हो गया थ्री आई कैप, हाँ, और फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन, तो माइनस वन जे कैप, और माइनस टेन प्लस थ्री हो गया माइनस सेवन के कैप, माइनस सेवन के कैप, तो बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर हम कहते हैं कि इसमें मेरे को ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर ये भी निकाल लो, ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर क्या हो जाएगा टू आई, टू आई प्लस वन जे माइनस वन के, और माइनस वन आई प्लस वन जे, वन आई प्लस वन जे प्लस जीरो के, तो 2i माइनस 1i कितना हो गया 1j, 1j माइनस 1j कितना हो गया 0j, माइनस 1k और माइनस 0 तो माइनस 1k, ये हो गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब जब d निकालेंगे तो d हो जाएगा पूरे का मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर अपॉन बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मॉड। क्रॉस बी टू का रिजल्ट आया 3i माइनस 1j माइनस 7k, तो लिखिएगा b इज इक्वल टू 3i माइनस 1j माइनस 7k डॉट b टू माइनस a1 कितना आ गया 1i प्लस 0k माइनस 1k, ठीक है, और अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू जो आया था उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई करिए आई वाला आई में मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री इंटू वन हो गया थ्री, फिर माइनस वन इंटू जीरो हो गया जीरो, फिर माइनस सेवन इंटू माइनस वन हो गया प्लस का सेवन अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन हो गया टेन, टेन और फिफ्टी नाइन, अंडर रूट फिफ्टी नाइन और इस पूरे का मॉड है, तो टेन अपॉन अंडर रूट फिफ्टी नाइन आ रहा होगा, ठीक है, 10 अपॉन अंडर रूट 59। इसी तरीके से जो एग्जांपल नंबर 12 है वो भी डायरेक्ट यही फॉर्मूले वाला है, वही तो चीज है, तो ये दोनों की दोनों जो है ना एग्जांपल नंबर 12 में आप देखिए कि ये पैरेलल लाइंस है, कर लोगे इसको अपने आप, छोड़ रहा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 जो है, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज दिस दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर में आप कैसे करोगे, क्या तरीका क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, ये दे रखा है एल एम और एन, हाँ वन के बराबर आ जाना चाहिए, तो उससे कुछ वो होगा नहीं, मेरे को ये प्रूफ करना है, कौन सा बोला एंगल का क्वेश्चन,
हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओके ओके काट दो जी इसको क्वेश्चन नंबर वन को काट दो ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री काट दीजिए फिर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट वन टू थ्री एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के ये वही वाला है पॉइंट वाला और जिसपे डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है वो वाला क्वेश्चन नंबर थ्री मार्क करिए या अपने आप करना है फोर करना वन टू थ्री काट दो क्वेश्चन नंबर फोर करना है फोर कर लोगे ना अपने आप बी वैक्टर हमको ये दे रखा है थ्री आई प्लस टू जे माइनस टू के दे रखा है बी वैक्टर और वन टू थ्री है पॉइंट है तो इसका ए वेक्टर क्या बन जाएगा वन आई क्या प्लस टू जे क्या प्लस थ्री के क्या क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर टू आई माइनस जे प्लस फोर के क्या तो ये भी ए वेक्टर दे रखा है मुझे एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई क्या प्लस टू जे क्या माइनस के क्या ठीक है तो ये भी वैसा ही है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस ये बस एक हाँ बस एक मिनट समझिए इसमें अरे नहीं हो पा रहा टाइम अरे फंस गया इतना मन नहीं कर रहा नहीं ऐसा हो गया कि वो मतलब टेंथ के दो बैचेस हैं टेंथ के जो दो बैचेस हैं जो एग्जिस्टिंग दो बैचेस हैं उनमें फिर बच्चों को होने लगी प्रॉब्लम तो दो बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं पूछना ही भूल गया था और उन दो का कुछ ऐसा है कि उन्हें ये साढ़े चार से साढ़े पाँच वाले टाइम में कोई दूसरा ट्यूशन है तो उनका लॉस हो रहा था चलो ठीक है अच्छा एक बार बताओ तुम लोगों का भाई डीपीएस ड्राई जनरल एक्सटेंशन वाले तुम्हारा अभी जाना है स्कूल कब तक जाना है प्री हो जाएगा फर्स्ट से कब तक है 11 तक 30 इंग्लिश का प्री बोर्ड में किस टाइम करा देते हो 11 12 बजे तो आ ही जाते होगे नहीं नहीं 1:30 दो घंटे का होता ना पेपर तो रखते हैं बीच में और उसके बाद कोई क्लास तो नहीं होती ना तो अगर कभी दो बजे का टाइम रखना पड़े तो चलेगा दो या ढाई बजे का तीन सर कटेगा ये साढ़े चार वाला ही ठीक है भाई छोड़ो सही बात है तो मुझे बहुत धूप चलिए जो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए अरे मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ और नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो मतलब बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इस टाइम बीच बीच में फोन आ जाते हैं बीच बीच में वहाँ से फोन आ जाते हैं गेट से क्या क्या करें सही बात है तुम्हारे बात में दम है आईडी कार्ड तो मैं बोलूंगा कल मतलब इन्होंने जो बोला जो मेरे को नीचे वो गार्ड बोलता है कि वो बाहर से बच्चे आ जाते हैं बदतमीजी करते हैं यहाँ पर अरे तो यहाँ वाले नहीं करते क्या बदतमीजी उनके लिए फिर क्या करोगे उनको उनके फ्लैट से निकाल दोगे बाहर घर से निकाल दिया था रेंट वाले को तो निकाल सकते बाकी को तो नहीं निकाल सकते वही चीज है मैंने भी पता वहाँ गेट कुछ खा नहीं क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक तरीके से आपके ट्यूशन आता हूँ अगर ऐसा ऐसा हर कोई सोचना लाइन का मतलब क्या है required line जो line की equation जो मेरे को line चाहिए required line is parallel to the line is parallel to the line x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon 6
जेड प्लस एट अपॉन सिक्स। तो अब आप ये देखिएगा कि रिक्वायर्ड लाइन, वो जो लाइन हमसे बनवाना चाह रहे हैं वो उन्होंने बता दिया कि वो इस पॉइंट से होकर गुजरती है, और उन्होंने बोला कि वो लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब जो इस लाइन की डायरेक्शन होगी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन भी वही होगी, यानी कि डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। और कार्टेशियन फॉर्म में ये जो नीचे दे रखा होता है ये डायरेक्शन रेशो होते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ऑफ बी वेक्टर, लिख रहा हूँ मैं सीधे सीधे, बी वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन रेशो ऑफ बी वेक्टर विल बी 3, 5, 6, 3, 5, 6। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए वेक्टर क्या हो गया -2i कैप + 4j कैप - 5k कैप, ए वेक्टर तो ये हो गया, और जो बी वेक्टर है वो क्या हो गया 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों की हेल्प से तो आप जो रिक्वायर्ड लाइन है वो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। बस समझ गए ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन x - 5/3 = y + 4/7 = प्रोबेबिलिटी। जीरो में इक्वेशन की लाइन गिवन थ्रू अ गिवन पॉइंट और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर से सिखाई है ना, और अब मैं अगर इसमें परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर दे दूं तो परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर को देंगे ही नहीं आपको, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हो गया कि एक वेक्टर दे रखा है और जो उसका डायरेक्शन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है तो फिर लाइन बनी नहीं पाएगी भाई, स्ट्रेट लाइन कैसे बन पाएगी। आप ये कह रहे हैं कि वो लाइन इस लाइन से पास, इस पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन जो है वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ ये कह रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा ए वेक्टर बन जाएगा, है ना, मैं बताता हूँ ये एंगल वाले से होगा, लेकिन हाँ भाई काट दें कटा हुआ है भाई दिया क्या पूछ कर, पूछ कर खो गया पूछ कर खो गया, पता नहीं क्या सोच रहा है। मैं देख रहा था ना इससे बोला एंगल, चलो जो पहले तुम यार स्टेप बाय स्टेप ये तो होने दो, उसका अगर एक और परपेंडिकुलर आए वो देख ले तो वो पैरेलल हो जाए, नहीं तो इसको और उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते क्रॉस, तुम्हारे को नॉर्मल आता ना जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो तुम ये कह रहे हो कि इस वाली लाइन का कोई पैरेलल वेक्टर देखिए उस वाली, इस वाली का, अरे उस पर तो लाइन नहीं, चलो मैं आता हूं। आप अगला देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x - 5/3 y + 4/7 z - 6/2। तो जो डिनोमिनेटर पे लिखा रहता है वो ए बी और सी होते हैं, यानी कि डायरेक्शन रेशियो होते हैं, और x माइनस फाइव तो ऊपर हो गया x1, y माइनस माइनस फोर तो माइनस फोर क्या हो गया y1, और z माइनस सिक्स तो सिक्स क्या हो गया z1, ठीक है। तो हमारे पास 3, 7, 2 की हेल्प से तो डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा और ऊपर x1, y1, z1 यानी कि पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा सेवंथ वाला, सेवंथ वाले में ये है थोड़ा सा इक्वेशन देखिए, अरे अभी समझ जाओ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या दे रखा है x - 5/3 = y + 4/7 = z - 6/2
ठीक है। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है ना लाइन की, वो ये होती है वेयर इट विल कंपेयर इट विद x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे a b c होते हैं, therefore x1 comma y1 comma z1, ये क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट जिसकी हेल्प से मैं ये वेक्टर निकाल दूंगा। तो x1 y1 z1 क्या आ जाएगा, माइनस x1 माइनस 5, तो x1 कितना हो गया 5, माइनस y1 और प्लस का 4, तो y1 कितना हो गया माइनस 4, माइनस z1 माइनस 6, तो z1 हो गया प्लस का 6, x1 y1 z1 हो गया। उसके बाद b वेक्टर क्या हो जाएगा, ये a b और c की हेल्प से निकलेगा 3 i कैप 7 j कैप प्लस 7 जी का प्लस 2 की का। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या हो जाएगा 5 वाई का माइनस 4 जी का प्लस 6 की का, और ये आपका बी वेक्टर हो गया। तो लाइन की इक्वेशन आप से निकाली जा सकती है वेक्टर फॉर्म में। बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3 पासस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 3। तो ये कौन सा वाली फॉर्म होगी, हाँ टू पॉइंट वाली फॉर्म होगी, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा कि विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो दो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट 0 0 0, फर्स्ट पॉइंट तो ओरिजिन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे 0 0 0, और जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हो गया 5 माइनस 2 3 0 0 0 और 5 माइनस 2 3 ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहां से अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं, तो ए वेक्टर ये हो गया, इसमें इक्वेशन हमारी कैसे बनती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस a b वेक्टर माइनस a वेक्टर का, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारा बन गया a वेक्टर, ये तो है ही, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना है, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आप देखिएगा क्वेश्चन 9। सर, हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब अगर मैंने, हाँ आप इसको ए वाला ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, सेम रहेगी इक्वेशन, टू पॉइंट्स है, टू पॉइंट्स है, इक्वेशन अलग आ रही है, इक्वेशन अलग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमको ना एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि उन्होंने बोला कि आपका शुरुआत में उन्होंने ओरिजिन जिक्र करा है, तो उसको ए वेक्टर मान लो और उसको बी वेक्टर मान लो, क्योंकि ना कॉन्ट्रडिक्शन बस एक चीज़ का हो सकता है कि वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो शुरुआत में अगर उन्होंने ओरिजिन बोला है और बाद में ये वाला पॉइंट बोला है, तो कहीं डायरेक्शन उल्टी ना हो, ठीक है ना, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए बी वेक्टर हो गया, बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो बी ए वेक्टर हो गया। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा कि ये इधर से इधर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन फिर भी जो पहले दे रखा है उसको ए वेक्टर और बाद वाले को बी वेक्टर मानना तो ज़्यादा सही रहेगा। नाइन्थ देखिए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी जो पहले दे रखा है उसको ए वेक्टर मान लेना, बाद वाले को बी वेक्टर। तो टेंथ को कार्टेशियन कैसे करेंगे, कौन सी वाली कार्टेशियन, कार्टेशियन में भी कुछ नहीं है सर, कन्वर्ट कर देंगे, या तो कन्वर्ट कर दो या फिर x माइनस, जैसे फर्स्ट पॉइंट वाले को तो बेटा हम x1 y1 z1 मान लेते हैं, ठीक है, और नीचे जो है x माइनस x1 अपॉन a ना आकर उसमें क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, इसको बोलेंगे b1 माइनस a1, ये b2 माइनस a2, ये b3 माइनस a3। सर आंसर में से अलग आ रहा है, आंसर में 0 दे रखा है डिनोमिनेटर,
अच्छा नाइंथ का बोल रहे हो या किसका? बताता बताओ नाइंथ का कह रहे हो ना, अभी कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ मैशन, अभी कर अभी कर पहले तो इसका आंसर ही देख लेते हैं। 9th वाले का कौन सा है? 11.2 का क्वेश्चन नंबर है। एक सर इसका वेक्टर है 3i कैप - 2j कैप - 1j कैप + 7k कैप। रुको सबर करो, 0 0 11 क्यों लिखा है? तो 0 0 11 सर वही आ रहा है।3-5 और x को y को z को क्या है 3-2 6 ये दे रखा है। तो अब ना इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए x माइनस एच वन अपॉन x टू माइनस एच वन इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1, तो x minus h1 क्या हो गया 3, x minus 3 upon 3 minus 3, 0 आ गया, हाँ, और y minus minus 2 यानी कि ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सर वो 11 हो गया, minus 5 minus 6, और ये हो गया z minus minus 5, upon 6 minus minus 5, तो ये हो गया x minus 3 upon 0, सही है, समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है, अगला लेते हैं फिर। प्रबल सर। टेंथ तो कर दीजिए, फाइंड द इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। थर्टीन भी काट दीजिए। 14th करोगे? Shortest distance between the lines, बिल्कुल ऐसे ही example भी करा था। तेरी छोटे तो अच्छा तो कुछ। Find the shortest distance between the lines, ये भी हो जाएगा। मैंने भी कर लिया। हो जाएगा। इसमें जो आपका answer है ना, S, P इन सब की form में आएगा, ठीक है? चलिए जी, तो प्लेन स्टार्ट करें, ठीक है? बहुत कुछ चल रहा है, हाँ? हाँ जी, एक मिनट वेट करिए। सर तो टाइम हो जाएगा आपको, क्या है क्या टाइम? सर 26 हो रहा है अकॉर्डिंग, 26 हो गया, 5 मिनट पहले बढ़ा दो। अरे अच्छा सॉरी, मेरी बहुत आ गए, सॉरी 9 मिनट, एक मिनट रुको, पानी लेकर आ। 4 मिनट, 3 मिनट सर पानी बनाएंगे, एक बार सब पानी पियेंगे। पानी लेकर आता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वाओ बेलेटिंग हेडलेट सुनो मम्मी पानी के बच्चे क्या से नंबर से पढ़ने जाते हैं मैं क्या सॉरी ना वे खाने यस और कुछ नहीं था भाई कल थोड़ी देर में अभी दवा का असर है थोड़ी देर में तबियत फिर से खराब हो जाएगी, फिर से हो जाएगी।
अच्छा 9:15 आज रखूंगा ना जैसे फिजिक्स की क्लास, तो उसमें टारगेट ये है कि आज एटम्स कंप्लीट ही रखूंगा। 11:30 नहीं, उतना ज्यादा वो नोट्स लग रहे हैं थोड़े से बड़े, लेकिन उतना ज्यादा बचा हुआ नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि आप देखोगे कि उसमें दो पेजेस में तो बड़े बड़े डायग्राम ही हैं नोट्स में, तो वो आसान है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 30-40 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बस ये सोच रहा हूँ कि फिर कल जो है कल से न्यूक्लियर स्टार्ट करवाएंगे। ये तो आएगा तो नहीं मिला बनाता है। यस नेट टाइम ये भी क्लास के 9:30 बजे से तो है। अच्छा ऊपर तो लिख तो लेता है टू डे वाओ ये बच्चा नीचे को ब्रेक मत करो। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अब जो प्लेन है प्लेन की इक्वेशन वो करिए सर, दोनों हाथों को नाक पर ऐसे लगाकर ऐसे कर रहे हैं और टेकिंग ऑल द एनर्जीज इन द सराउंडिंग, पता नहीं तभी तो कोई नई कोई क्रिया सीख ली, श्री श्री रविशंकर से कोई नई क्रिया सीख ली है मेरे को लग रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग पॉजिटिविटी रहा है, मैं तो क्वेश्चन पूछ ना आ रहा, तुम बता तो दो कि उसके बाद में अपना मुस्कुराना शुरू हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए घूरना शुरू ये पॉजिटिव शॉट होगा ना हमारा वाला शुक्रदेव भाई बोलो तो सही बोलने तो होगे सर तब तो बोल रहा सर। मैं ये पूछ रहा था एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए, एक पॉइंट गिवन है और उसके पैरेलल एक प्लेन है, बस शुरू तो करा दो एक मिनट। हां तो प्लेन में है, हां तो पहले स्टार्ट तो करा दो, अभी बाकी बच्चों को तो अभी किसी ने कराई नहीं है, डर आता है पर करते डर आ रहा है। मैं कह रहा हूं अभी प्लेन स्टार्ट करा दो, मैं कह रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछा है इसलिए देख लो ना सर, क्वेश्चन में पाइप बोल रहा है कैसे करेगा कोई नहीं प्रोबेबिलिटी का ये प्लेन है, प्लेन मतलब या तो इसको ऐसे दिखा दो या फिर इसको ऐसे दिखा दो, तो इसको ना हमने थोड़ा इस तरीके से दिखा दिया कि ये ऐसे यहाँ पर अंदर की तरफ होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप is equal to d। अब ये जो n कैप है ये क्या है कि ये जो प्लेन है ना इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्री पर ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोल देते हैं। नोट कीजिएगा कि वेयर वेक्टर इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑन द प्लेन एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from origin to the plane, ठीक है। बस अभी आज इतना ही नोट करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ इसको मैं आगे।